हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे किचन में। और आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ पपीते से हलवा। आप सोच रहे होंगे कि पपीते से कोई हलवा बनता है दोस्तों, लेकिन हाँ, पपीते से हलवा बनता है, ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ। देखिए, ये हमने पपीते से ही हलवा बनाया है, आप देख लीजिए कितना अच्छा हलवा बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। एकदम टेस्टी, लाजवाब और बहुत ही सुंदर हलवा है दोस्तों, एक बार इसकी ट्राई ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। इसे दोस्तों सबसे अलग हट के यह हलवा बनकर तैयार हुआ है। कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं। अगर आपके पास पपीता है, पक्का हो पपीता या फिर कच्चा पपीता हो, दोनों ही तरह यह हलवा बनकर तैयार होता है दोस्तों। अगर आपके पास पक्का पपीता नहीं है, कच्चा पपीता है, तो कच्चे से भी इसे बना सकते हो। बहुत ही सुंदर और टेस्टी हलवा बनकर तैयार होगा। देखिए, आप देख सकते हो कितना अच्छा और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों चलिए एक बार इसे ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आप वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साइड वाली घंटी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी नई नई रेसिपी देखने को मिल जाया करेगी। और दोस्तों लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए कर लेते हैं वीडियो शुरू। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ लेंगे पपीता। देखिए, यह है पपाया यानी पपीता। हम इसे यहाँ इसका जो ये छिलके वाला पार्ट है, हम इसे निकाल लेंगे छील कर बाहर। और जो इसका ये बीज है, ये भी हम सबसे पहले इसे निकाल लेंगे। चलिए, इसे हम इसके बीज को और इसके छिलके को निकाल कर बाहर करते हैं और इसे अच्छे से छील लेते हैं। अब देखिए, हमने जो हमारा पपीता था वो हमने काट कर छील लिया है। और छील कर अब इसे हम क्या करेंगे, इस मिक्सी के जाल में इसके बारीक बारीक कट करेंगे इस तरह से। और बारीक बारीक कट करके हम ये सब इसमें ही डाल देंगे और इसे बारीक करके पीस लेंगे इस तरह। अब देखिए दोस्तों, हमने ये पीस लिया है, एकदम बारीक हो गया है। देखिए कितना अच्छा बारीक सा हुआ है, देखिए इस तरह का। और अब हम इसे एक कढ़ाई में कर लेंगे। देखिए, हमने ये कढ़ाई में कर लिया है। अब ये हमने कढ़ाई में कर लिया है और ये पपीता हमारा पूरा आधे किलो यानी 500 ग्राम वजन था इसका। अब इसमें हम दूध डालते हैं, एक गिलास दूध ये है और एक गिलास और डालेंगे इसमें हम। देखिए, हमने यहाँ पूरा दो गिलास दूध डाल दिया है और इसे थोड़ा सा यहाँ मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसे रख लेते हैं, चूल्हे पर रख कर पका लेते हैं। अब देखिए, हमने ये गैस पर रख लिया है और गैस को हमने हाई स्पीड कर दिया है। अब इसे हम यहाँ खद्दे होने तक अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें अच्छे से खद्दा लग गया है और देखिए कितना अच्छा फटाफटा सा बन गया है। अब इसमें हम चौथाई कप लेंगे ये मैदा है, और मैदे को हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। हमें इसमें गुरी नहीं पड़ने देनी है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से इसी तरह हमें इसे मिक्स करना है। और इसमें थोड़ा थोड़ा हम ये इस तरह बुरबुराते हुए डालेंगे। ये भी हम इसमें डाल देते हैं। कभी भी हमें मैदे को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डालकर हमें इसे मिक्स करना है। अब देखिए, इसे अच्छे से हम इस तरह इसे कर लेंगे। अब देखिए, ये अच्छे से इसमें खद्दा लग गया है और बहुत थिक हो गया है ये। देखिए, अच्छा सा गाढ़ा सा हो गया है। अब इसी में ही मैं डाल दूंगी चीनी, और चीनी डालेंगे मैं आधा कप के करीब है, थोड़ा सा फालतू है आधे कप से। और मैं इसे भी अच्छे से इसमें मेल्ट कर दूंगी और इसे पका लूंगी। और इसी में ही मैं डालूंगी थोड़ा इलायची पाउडर, चौथाई चम्मच इलायची पाउडर है। और मैं इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी और इसे अच्छे से यहाँ पका लूँगी। हमारा गैस जो है हाई फ्लेम पर है, हमने मीडियम नहीं रखा और ना ही स्लो रखा है, हमने बिल्कुल हाई रखा है यहाँ। और हाई रखकर ही इसे हम पूरे को अच्छे से पकाएंगे। इसे हम जब तक खूब अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए, केड़ा केड़ा सा ना हो जाइए, तब तक इसे हम पका लेते हैं। दोस्तों देखिए, अच्छा गाढ़ा सा हो गया है यहाँ हमारा ये। देखिए, अब हम इसमें यहाँ डालेंगे थोड़ा बेसन,
जो हमारा पेचूला है ये हमने एक भर कर डाला है यहाँ, और इसे इस तरह बुरबुराते हुए अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये अच्छे से बेक हो गया है, और अब हम यहाँ डालेंगे दो अंडे। देखिए, और ये दोनों अंडे हम इस तरह ही तोड़ देंगे, इसमें इन्हें हम फेंटेंगे नहीं, इसी तरह हम इसमें डाल देंगे। देखिए हमने दो अंडा इसमें डाल दिया है, और अब इसे हम इसमें अच्छे से फेंटेंगे इस तरह से। देखिए बहुत ही अच्छा परफेक्ट टेस्ट आने वाला है। देखिए और दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है आपको, इसे बराबर साइड में और इसकी तली में बिल्कुल भी चिपकने नहीं देना है, नहीं तो जो हमारा ये पेस्ट है ये एकदम जल जाएगा। इस तरह से हमें ये तली से खुरचते हुए हमें ये चला देना है इस तरह से। आप देख रहे होंगे ये दो अंडा गिरने से कितना अच्छा और ज़्यादा बन गया है, फूला फूला सा। इसी तरह हमें ये बनाना है। अभी थोड़ा और ठीक करेंगे इसे हम। अब देखिए ये अच्छे से हो गया है। अभी इसके साथ साथ में हम यहाँ डालेंगे ये जो हमारा पेचूला है, ये इसी तरह का एक पेचूला और है, इसे हम भरकर यहाँ डेढ़ पेचूला हम ये डाल देंगे। जब हमने यहाँ आधा कप चीनी डाला था, और अब ये मानिए ये चौथाई कप है, लेकिन हमने यहाँ समझ लीजिए हमने ये पूरा एक कप चीनी इसमें डाल दिया है। अगर आप चाहे कि इसमें हमें चीनी बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो, और घटाना चाहते हो तो घटा भी सकते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा मीठा सही होना चाहिए, जब ही अच्छा लगता है खाने में। तो अब इसे हम यहाँ इस तरह चलाते चलाते हैं, इसके साथ साथ हमें इस तरह चला लेना है, और गैस को हमेशा हमने शुरू से लेके अभी तक हमने ये हाई फ्लेम ही रखा है। देखिए अब जो हमारी चीनी है थोड़ी इसमें मेल्ट हो गई है, अब इसी के साथ साथ हम यहाँ डाल देंगे थोड़ा देसी घी। आपके पास घी नहीं है तो ना डालें, लेकिन मैं यहाँ इसमें थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा एक टीस्पून के लगभग मैं यहाँ घी डाल रही हूँ। देखिए इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये अच्छा ठीक हो गया है, और हमारा जो हलवा है बनकर एकदम रेडी है। देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है दोस्तों, आप देख रहे होंगे। और अब इसमें हम थोड़ी सी यहाँ ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जो हमारी मेवा है हम वो भी इसमें डाल सकते हैं। चलिए हम गैस को थोड़ा यहाँ स्लो कर देते हैं, यानी मीडियम, और इसमें हम थोड़ी मेवा डाल लेते हैं। मेवा में हम यहाँ थोड़ी ये किशमिश डाल रहे हैं, और थोड़ी यहाँ हम डाल रहे हैं बादाम, जो हमने एक बादाम से दो पीस किए हैं। अब इसे अच्छे से हम इसे चला देते हैं। अब इसमें ही हम थोड़ा सा डाल देंगे यह है कलर ऑरेंज कलर, और इसे भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे, ताकि हमारा हलवा जो है इसमें अच्छी खूबसूरती सुंदरता बढ़ जाए। इसलिए देखिए कितनी अच्छी सुंदरता बढ़ी है दोस्तों, आप देख रहे होंगे। देखिए इस तरह की, इसे अच्छे से हम यहाँ मिक्स कर लेंगे, और इसके साथ साथ हम यहाँ अब ऊपर से डालेंगे देसी घी। आप चाहे यहाँ देसी घी नहीं डाल सकते तो आप यहाँ जो वनस्पति घी होता है उसे भी यूज कर सकते हो दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हलवा बिना घी के तो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। लेकिन देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना, तो अब यहाँ हम थोड़ा देसी घी डालेंगे। देखिए ये जो बड़ा पेचूला है हमारा, ये पेचूला ये लगभग में यहाँ एक है, ये पूरा एक भर के हमने यहाँ डाल दिया है। अब इसे हम इसमें ही मिक्स कर लेंगे। चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा, वाओ कितना बढ़िया लग रहा है ना दोस्तों। देखिए अगर आप एक बार इसका हलवा बनाकर खाओगे ना, तो मैं वादा करती हूँ, यकीन से कह रही हूँ दोस्तों, आप जो सूजी का या फिर बेसन का, चने की दाल का ये जो हलवा बनाते हैं ना, उस सब को
बनाना भूल जाओगे और बस इसे ही बार बार बनाकर खाओगे। देखिए कितना अच्छा परफेक्ट बना है, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जो आप मोहल्ले वाले आएंगे आपके पास, भाई साहब हमें पूरी उम्मीद है वे आपके लिए तो नहीं छोड़ेंगे भाई, बस वे तो सिर्फ यही सोचेंगे बस हम ही खाते रहे, सारे को हम ही खा जाए, जो भी देखेगा वो इसी बात को कहेगा बस सारे को हम ही खा जाए, भाई तुम मत खाइए हम खा लेंगे, यही सोचेंगे लोग। तो दोस्तों देखिए एक बार इसको बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिए प्लीज़, देखिए कितना अच्छा लग रहा है हलवा। चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं और गैस को हम यहाँ कर देते हैं बंद, हमारा हलवा बनकर रेडी है यहाँ। चलिए अब देखिए हमारा हलवा बनकर रेडी है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे इस पे थोड़ा सा गार्निश और कर लेते हैं, ऊपर से हम यहाँ काजू और जो पिस्ता है इसके साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। अब हम यहाँ थोड़ा पिस्ता डाल देंगे देखिए इस तरह से। तो दोस्तों हमने यहाँ पिस्ता और काजू डाल दिया है ऊपर से, आप चाहे तो यहाँ और भी अपने मनपसंद की जो मेवा है वो इसमें गार्निश कर सकते हो मेवा से। तो दोस्तों चलिए और देखिए कितना अच्छा और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है, ऐसा आज तक आपने कभी नहीं खाया होगा ऐसा हलवा, देखिए वाओ क्या मज़ेदार हलवा है दोस्तों, बनाइए और खाइए टेस्ट लीजिए, वाकई में बहुत ही अच्छा टेस्टी हलवा बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। मैं तो भाई पूरी उम्मीद कर सकती हूँ कि आपने कभी ऐसा हलवा बनाकर आज तक नहीं खाया होगा, दोस्तों प्लीज़ इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, आपने इसे एक बार ज़रूर खाना है बनाकर। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी हमारी वीडियो, गजब का हलवा बना है दोस्तों, इसे आप खाओगे स्वाद तो लोगे ही लेकिन साथ साथ में आपका खून भी बढ़ाने का काम करता है, ये बहुत ही अच्छा है और जो आपकी पाचन क्रिया है पेट में जो कब्ज या गैस होता है उसे भी ये दूर करता है दोस्तों। ये बिल्कुल एकदम हेल्दी है, इसे कोई भी खा सकता है, छोटे बड़े बच्चे सब खाओ दोस्तों, बहुत ही पावरफुल हलवा बनकर तैयार हुआ है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड वाली घंटी बजाना तो बिल्कुल भी मत भूलें, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा और इसकी ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ और मिलती हूँ, खुदा हाफिज़।